इस कॉन्सेप्ट में फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं जब लिमिट हमारी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही लिमिट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये जो दोस्तों फॉर्म होती हैं, इस फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। सो इस तरह की फॉर्म टर्मिनेट नहीं होती। यहां पर ये जो फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना होता है। हमें जहां पर ये फॉर्म दिखती हैं, हमें उस चीज को रिजॉल्व करना होता है। इसी को हम बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट के कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस की वैल्यू किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इन्फिनिटीज और जीरो उसमें काम करते हैं। ये हम ग्राफिकली सीखेंगे और मैथमेटिकली सीखेंगे कि ये बेसिकली फंक्शन काम कैसे करते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हम इन फंक्शन के लिए लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो उन फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेने चलते हैं वन बाय वन। हम ऐसी प्रॉब्लम को जहां पर इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझाने के लिए हमने कुछ फंक्शंस रखे हैं आपके सामने और उन फंक्शंस को समझाएंगे कि उनकी लिमिट्स किस तरह से चलती हैं। दोस्तों देखिए, हमने यहां पर रेसिप्रोकल फंक्शन रखा है। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स की तरह से डिफाइन होता है और ये इसका ग्राफ होता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जब एक्स बढ़ता है इन्फिनिटी की तरफ, फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है जीरो की तरफ। गौर कीजिएगा, जो ग्राफ से भी दिख रहा है, यहां पर आप देखिए एक्स इन्फिनिटी बढ़ रहा है और जो ब्लू कलर की लाइन है फंक्शन की, वो जीरो की तरफ बढ़ रही है। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ती है, आप देखिए जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है, एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है और यहां पे देखिए ये फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन वही चीज करता है जो रिवर्स होती है। अगर इन्फिनिटी है तो जीरो दे देगा, जीरो है तो इन्फिनिटी दे देगा। दोस्तों ये दोनों चीजें हमने आपको ग्राफिकली और मैथमेटिकली समझाई हैं। तो हमें इन फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा जरूरी है कि ये फंक्शन बेसिकली काम किस तरीके से करते हैं। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, तो यहां पर इस रेसिप्रोकल फंक्शन में ये सारी इवेल्युएशन हमें दिमाग में रखनी होती है। तो ये हुआ कंसेप्ट रेसिप्रोकल फंक्शन का, उसमें इन्फिनिटी की जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लीनियर फंक्शन पे चलते हैं जो कि जी एक्स इक्वल टू जी होता है। यहां पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे एक्स के लिए, जैसे मान लेते हैं आप एक्स इन्फिनिटी रखते हैं तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगती है। सिमिलरली आप एक्स की वैल्यू, सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जीरो आने लगती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे काम करती हैं, फंक्शंस की वैल्यू भी देखने को मिलती है और इन्फिनिटी और जीरो का कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। गौर करने वाली बात है दोस्तों, इस फंक्शन में जो भी वैल्यू होती है एक्स की, वही वैल्यू यहाँ पर दोस्तों फंक्शन की भी कहलाती है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है और इसकी हमें लिमिट और जीरो पर वैल्यू भी देखनी काफी जरूरी होती है। इसके बाद चलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन की तरफ। ये हो गया दोस्तों कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कांस्टेंट फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू सी आ रहा है। अगर हम इसके लिमिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गौर करिएगा, अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है दोस्तों वो सी रहती है। अगर आप x की वैल्यू जीरो भी लेके जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी सी रहती है। फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती इस केस में, चाहे आप लिमिट की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, इन्फिनिटी रख दीजिए चाहे जीरो रख दीजिए, फंक्शन की वैल्यू आपको कांस्टेंट सी ही मिलेगी, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो इन सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस में हमने देखा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शन काम करते हैं। बट अगर जैसे हम सबसे पहला फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन, उसमें हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से रख दें। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f1 जिसकी हम वैल्यू रखते हैं 1/x2। हमारे पास एक और फंक्शन है f2 जिसकी हम वैल्यू रखते हैं 1/x3। तीसरा एक फंक्शन है f3 जिसकी हम वैल्यू रखते हैं 1/x4। दोस्तों देखिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर बढ़ती जा रही है, बट अगर आप वही सिमिलर जैसे ऊपर ये वाला केस है गौर कीजिएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/∞2। ये दोस्तों ये भी जीरो कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप जैसे कि यहां पे लिमिट रख देते हैं, फंक्शन कौन सा है f2x, यहां पर आप 1 बाय
इन्फिनिटी का क्यूब रख देते हैं, ये भी आपको जीरो मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे लिमिट फंक्शन एफ 3x रखेंगे तो भी आपको 1 बाई इन्फिनिटी की 4 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। इन सभी केसेस में दोस्तों आपको वैल्यू 0 ही मिलने वाली है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। समझाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप रेसिप्रोकल फंक्शन में एक्सपोनेंट बढ़ाते हैं डिनोमिनेटर, तो आपको 0 ही मिलने वाला है और कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड फंक्शन का तरीका जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली, तो आप उसी के जैसे बाकी फंक्शंस की भी यहाँ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सिमिलरली जो हमने जी एक्स फंक्शन लिया था, जिसको हम लीनियर फंक्शन बोल रहे थे, अगर हम उसमें भी लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ फंक्शंस बनाने हैं। कौन कौन से फंक्शन हमारे पास हैं, g1x को हम रख देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, g2x ले लेते हैं इसको रख देते हैं कि ये एक्स क्यूब है, g3x को रख देते हैं दोस्तों ये x की पावर 4 है। ये सारी की सारी वैल्यू है फंक्शंस की। अब गौर करते हैं, लिमिट लगाते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। फंक्शन कितना है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास g1x, ठीक है। g1x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ गौर कीजिएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होगा, इन्फिनिटी ही होने वाला है, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहां पर हमने सबसे पहले जो इन्फिनिटी लिया था, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मिल रहा था, जी एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल रही थी। तो अगर इन्फिनिटी स्क्वायर आ रहा है तो भी हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब कि जो लीनियर फंक्शन है इसी की तरह इनकी भी जो लिमिट है वो भी सेम तरीके से काम करती है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं g2x, ये क्या है, ये है इन्फिनिटी का क्यूब, ये भी इन्फिनिटी आने वाला है। सिमिलरली दोस्तों हम फंक्शन लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाता है दोस्तों, इसको लेते हैं g3x, ये कितना आने वाला है, इन्फिनिटी की वैल्यू 4 आएगी तो ये इन्फिनिटी आएगा। कहने का मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे फंक्शन की, अगर वो लीनियर तरीके से लगा हुआ है न्यूमरेटर में तो उसकी वैल्यू आपको इन्फिनिटी ही मिलने वालेगी। ये हमने जी एक्स फंक्शन लीनियर फंक्शन से सीखा है। अगर आप लीनियर फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी किस तरह काम करता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें माइनस इन्फिनिटी भी आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर जी एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। एक्स माइनस रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी आपको माइनस मिलेगी, ये भी यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐड कर देते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो जी एक्स की वैल्यू भी आपको माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अरे दोस्तों कुछ एक्सपोनेंट्स फंक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं उसका। दोस्तों एक्सपोनेंट फंक्शन में गौर कीजिए, हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो एक्स है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लिमिट को इवेल्युएट करना है। जब आपका एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो फंक्शन एफ एक्स क्या करेगा, ई की पावर में इन्फिनिटी देगा मुझे, ई की पावर इन्फिनिटी मतलब ये भी यहाँ पे इन्फिनिटी की लाएगी, तो फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ पॉइंट आउट करेगा। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू मुझे एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होगा, 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या होगा दोस्तों, 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू देखिए किस तरीके से चेंज हो रही है, जब हम इन्फिनिटी रख रहे हैं x की वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं। इसी चीज को देखो हम ग्राफिकली भी समझते हैं, ग्राफिकली भी देखिए आप, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, ये वाला केस देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू भी कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है इस केस में तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए बिल्कुल फंक्शन नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है और यहाँ 0 वैल्यू मुझे दे रहा है। तो इस तरीके से भी हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आइए इसी सेम केस में एफ एक्स हम लेते हैं अब e की पावर माइनस एक्स और देखते हैं क्या किस तरह से फंक्शन काम करेगा। दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू थी e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम चीज़ है, एक्स अगर लिमिट की तरफ मूव कर रहा है तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, ई की पावर तो था हमारे पास माइनस एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि 1 बाय ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फंक्शन थोड़ा उल्टा तरीके से काम करता है, एक्स आप इन्फिनिटी ले लो फंक्शन आपको 0 मिल रहा है। सिमिलरली आप एक्स नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी ले लो, क्या मिलने वाला है फंक्शन आपको, एफ एक्स इक्वल टू e की पावर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी।
क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी है, तो ये मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगा। आइए गौर कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, फंक्शन x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दीजिए जैसे हमने यहाँ रखी है, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। ठीक है, ग्राफ से देखिए दिख रहा है हमें यहाँ पे, x की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी रख दीजिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी देखिए दोस्तों आपको इन्फिनिटी मिल रही है, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिखाया है। ठीक है, तो कंसेप्ट काफी इजी है, जस्ट आपको ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों उसको लगा के देखना है कि इन्फिनिटी पे फंक्शन इवेल्युएट कैसे होते हैं, काम किस तरीके से करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। आइए अब लॉगरिदम फंक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये लॉगरिदम फंक्शन है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू ए कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी फंक्शन काम किस तरीके से करता है दोस्तों, गौर करिए ग्राफिकली फंक्शन की वैल्यू किस तरह से आ रही है, कैसे ग्राफ बन रहा है। ए इक्वल टू वन पर हमने देखा है ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस पे और फिर ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ली है। इस फंक्शन को जब आप इवेल्युएट करेंगे, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों लॉग ए ऑफ इन्फिनिटी, और ये आपको दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, ये आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो ए इज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों लॉग जीरो बेस टू ए, ये क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम जैसे ग्राफिकली भी देख रहे हैं, अगर फंक्शन की अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, ये वाला कंसेप्ट, और अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो रख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि मूव कर रहा है, तो देखिए आपको नेगेटिव ऑफ वाई की तरफ जा रहा है फंक्शन, मतलब नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे, एक्स की वैल्यू जीरो पे। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू ए, गौर कीजिएगा ये कंडीशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है। अब सेम फंक्शन देखते हैं, लॉग फंक्शन ए की वैल्यू वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है। सेम फंक्शन देखते हैं, लॉगरिथम फंक्शन ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में रख कर देखेंगे, ग्राफ बना लेते हैं पहले दोस्तों। गौर कीजिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, इस तरीके से फंक्शन काम करता है। यहां पर जब आप एक्स की वैल्यू इंफिनिटी रखते हैं इस सेम फंक्शन के अंदर, एफ एक्स के अंदर, तो आपको क्या मिलता है, यहां पर दोस्तों आपको मिलने वाला है, यहां पर लिख दीजिए आप लॉग इंफिनिटी बेस टू ए, इस केस में आपको ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। कंडीशन ये है कि हम ए इज लेस देन वन लेके चल रहे हैं। ग्राफिकली भी इसको देखेंगे अभी, एक्स की वैल्यू पहले जीरो पे देख लेते हैं क्या मिलती है फंक्शन की वैल्यू, मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है लॉग ऑफ जीरो बेस टू ए, ये निकल के आता है इन्फिनिटी का दोस्तों। गौर किया सेम चीज लेके चलते हैं, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं, फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, गौर कीजिएगा ये वाली चीज कह रहा हूं मैं, एक्स इन्फिनिटी डाला, फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई। सिमिलरली एक्स आप जीरो रख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला केस जो है आपको फंक्शन की वैल्यू क्या वाई इन्फिनिटी की तरफ देखिए चढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम ये वाला केस भी इवेल्युएट कर सकते हैं जहां पर ए की वैल्यू लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो, ऐसे भी हम यहाँ पर इस कंडीशन में बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों लॉगरिदम और एक्सपोनेंट फंक्शन को इवेल्युएट करना। सेम चीज़ें हम टेबल फॉर्म में बना के दिखाते हैं, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है और आपको याद रखने में काफ़ी आसान हो जाता है। एक्सपोनेंट फंक्शन देखिए दोस्तों हमने किस तरह बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स की, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू जीरो पे। जब आप इस फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को देखें तो वो जीरो देता है जैसे हमने पीछे देखा, और एक्स टेंस टू जीरो पे ये दोनों के दोनों फंक्शन वन वैल्यू देते हैं। यही चीज हमने ग्राफिकली भी आपको पीछे बना के दिखा चुके हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, इसका टेबल देख लेते हैं। सेम चीज है, यहाँ पे आप पहली कंडीशन देखेंगे आप ए ग्रेटर देन वन के लिए, दूसरी कंडीशन देखिए आप जब ए जीरो और वन के बीच में होगा, इन्फिनिटी की तरफ एक्स बढ़ रहा है तो लॉग फंक्शन जो ए ग्रेटर देन वन है वो इन्फिनिटी होगा, और ए जो है वो वन और जीरो के बीच में है तो माइनस इन्फिनिटी होगा। एक्स की एक्स टेंस टू जीरो कर लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन ए ग्रेटर देन वन होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है,
एक ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे बना के देगा। इस तरीके दोस्तों हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी हमने देखा काफ़ी फंक्शंस के लिए किस तरह वो काम करते हैं, क्या वैल्यूज़ उसमें आती हैं। हमें ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, इसको थोड़ा गौर करना है, ये नहीं आने चाहिए फंक्शन में। तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग दी कि वो काम किस तरह करते हैं, जिससे आप इन फॉर्म से बच सकें। ये हमने रेसिप्रोकल फंक्शन बताया था, फिर लीनियर फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन की बात करी थी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने दोनों टाइप के फंक्शन लिए थे, एक्स की पावर ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, फिर लॉगरिथम में भी दोनों कंडीशन हमने आपको समझाई थी। दोस्तों ये अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर हमें ये कंसिडर करना है कि जब एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो हम उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। इन एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे, बट बेसिक कंसेप्ट इसमें यही है, जैसे ही एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो हम इसको 1/x, 1/x² और 1/x³ इनकी फॉर्म में लाना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/x क्या हो गया, 1/∞ क्या मिल जाता है, 0, 1/x² कितना हो गया, 1/∞ का स्क्वायर, ये भी 0 ही कहलाएगा क्योंकि 1/∞² भी इन्फिनिटी होगा। 1/x³ को क्या करेंगे, यहां पर इन्फिनिटी को क्यूब कर देंगे, ये भी इन्फिनिटी ही होने वाला है, ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें इस फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को लेके आना है, क्योंकि इस फॉर्म के बाद हमें यहाँ 0 मिल जाता है आसानी से। आइए कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी इसको लेके कि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्म को कैसे लेके आएंगे और क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रॉब्लम में अगर हम एक्स की वैल्यू, जैसे हमने कहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाती है, गौर कीजिएगा, ए इंटू इन्फिनिटी स्क्वेयर प्लस ऑफ बी इंटू इन्फिनिटी प्लस ऑफ सी, पी इंटू इन्फिनिटी का स्क्वेयर प्लस ऑफ क्यू इंटू इन्फिनिटी प्लस ऑफ आर। गौर कीजिएगा, न्यूमिरेटर में भी इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। ठीक है, ये फॉर्म हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को हमको रिजॉल्व करना है और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से कि 1/∞ मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, जब हम 1/x को लेके आते हैं। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म को लेके आते हैं। ये फॉर्म कैसे लाएंगे इस प्रॉब्लम में दोस्तों, यहाँ पे ये हम प्रॉब्लम लेके चले थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1/x² जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या रिजल्ट हमें मिल जाएंगे दिखाते हैं आपको। सेम लगाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू एक्स प्लस ऑफ आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, क्या रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों आपको, गौर कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा एक्स को ऐसे डिवाइड होगा तो इंडिविजुअली हमने एक्स को ऐसे डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, जब हम यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 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 हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें सिंपल ए बाई पी मिल जाएगा जो कि इसका आंसर है। तो हमें देखिए किस तरीके से इस फॉर्म को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को रिजॉल्व किया और क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आ गए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है इस टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की, जहां पर हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही होती। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं सेम कंसेप्ट पे, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप इसमें पुट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स इन्फिनिटी डालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए जो एलिमेंट है ये इन्फिनिटी प्लस ए, ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा दोस्तों, जो एक्स है ये भी इन्फिनिटी है, तो कुछ इस तरह से फॉर्म आई है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म। ये भी फॉर्म हमको नहीं चाहिए, हमको इसको भी रिजॉल्व करना है और इसको किसी तरीके से हम, जैसे मैंने बताया था आपको, 1/x और 1/∞ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, लेके चलते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं किस तरीके से हम करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेशनल मेथड से कुछ इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जितनी हो सकती है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके प्लस साइन, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे, यहाँ माइनस था, ये इस तरह था, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स, इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। तो ऊपर वाला क्या किस तरह काम करेगा, वो इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए का अंडर रूट प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स। यहां से अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिला ए अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स। इस तरह बना देते हैं इसको, यहां ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ये क्या होने वाला है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए किससे, अंडर रूट ऑफ एक्स से। तो क्या मिलेगा आपको, ए तो यहां मिल जाएगा, यहां मिलेगा वन प्लस ए डिवाइड बाई एक्स ये प्लस ऑफ वन। सिंपल है ये, देखिए ये 1/x की फॉर्म आ गई, ये जीरो हो जाती है जब हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। यहाँ पर लिमिट हम लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये लिमिट का तो प्रॉब्लम था ही शुरू से, लिमिट यहाँ पे लगी हुई आ रही थी। इसको सॉल्व कर दिए दोस्तों, ये होगा ए डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस वन ए डिवाइड बाई टू, ये हो गया दोस्तों आपको इसका आंसर। तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने फॉर्म देखी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, तो हम एकदम समझ गए कि हमें यहाँ से निकलना है किस तरीके से। रेशनल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ तक लेके आए, फिर हमें 1/x और ए बाई एक्स जैसे जो हमने देखा था, ये देखिए ए बाई एक्स दिखा जो कि 1/x जैसा ही है। तो हमने इसको जब इन्फिनिटी लाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा जैसे हमने करके दिखाया था आपको पीछे, और हम इस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो आई होप आपको इससे काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी जब हम इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे डील करेंगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। हमें आपको ग्राफिकली भी ये सारा समझाया और मैथमेटिकली भी आपको समझाया, और कुछ बेसिक टाइप के फंक्शन जैसे 1/x रेशनल फंक्शन था उसके जैसे सिमिलर फंक्शन भी आपको करके दिखाए कि ये किस तरह हम जीरो बना सकते हैं। तो सो इस तरीके से हम इवेल्युएशन ऑफ लिमिट एंड इन्फिनिटी को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वो काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग।